अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है सुबह सुबह? सुबह सुबह जो है यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे रेडी हो चुके हैं और अंडे भी रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर भी एग रेडी हो रहे हैं और यहाँ पर एग रेडी होके आ चुके हैं प्लेट में और ये पराठे भी रेडी हो चुके हैं। आपने नाश्ता कर लिया करेंगे? नहीं किया, तो चलो ले आए नाश्ता। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और बाकी का काम बाद में करते हैं। और यहाँ पर ट्रीज देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं और सब्ज तरी के ये फ्लावर देखें, येलो येलो कितने प्यारे लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग पिजन, पिजन को भी निकाल दिए और पिजन अपनी मर्जी से घूम फिर के अपने घर वापस आ जाते हैं। और बाहर का व्यू देखें कितना प्यारा और खूबसूरत। और यहाँ पर चावल की काश्त हो चुकी है और कुछ हो रही है और कुछ लोग वहाँ पर आए हुए हैं चावल की काश्त करने के लिए। हरी चार पाई यहाँ पर आ चुकी है, अब मैं यहाँ पर बैठता हूँ तो नाश्ता जो है वो आने वाला है और बाकी लोग यहाँ पर बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दें, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखें। और आज एक प्यारी सी नई सी सुबह का आगाज शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी तो सुबह सुबह का टाइम है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है और मैं भी साय के नीचे बैठा हूँ और दरख्त के साय के नीचे जो हवा है वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं बैठ के नाश्ता करूँगा। ये तो हमारा गर्मा गर्म नाश्ता रेडी होके आ चुका है, वही रात वाला सालन जो मुझे अच्छा लगता है, देसी कुल्फा और अंडे और पराठे। तो आप भी आ जाएं जल्दी से, पानी ले आना पीने के लिए। और पानी भी आ चुका है, ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि घड़े का पानी है वो सामने घड़े पड़े हुए हैं, उसका पानी बहुत अच्छा होता है। आप भी वही पीती हैं? हाँ। या बर्फ़ वाला? घड़े वाला काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वो मिट्टी का बना होता है, मिट्टी में वैसे भी शफा है। तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता करते हैं तो बाकी का काम बाद में। जी तो मैंने कबूतरों के लिए छोटे छोटे बाइट बना लिए, अब मैं कबूतरों को बुलाऊंगा, पिजन को। ये देखें कैसे भाग के आ गए, और भी निकलेंगे और भी आएँगे। आ जाए जल्दी से आ जाए, ये खा जाएगा। देखिए आ रहे हैं आस्ते आस्ते। हम घने दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए हैं और मेरी बात कौशल भी मेरे साथ बैठी है। और इस तरफ जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और बारिश आने वाली है। तो मामा भी बाहर आए हुए थे और हम सब बाहर बैठे हुए हैं, बातें बातें कर रहे हैं क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है तो इस वजह से सब लोग बाहर आए हुए हैं। कहीं चलना है? हाँ, अगर बारिश आ गई तो इनके घर जो है ना दोबारा बंदा नहीं आ सकता। अगर एक दफ़ा यहाँ से निकल गए, बारिश आ गई, फिर वहीं रोड के ऊपर रहना पड़ेगा। अभी घर के अंदर बैठे हुए हैं तो बारिश आ जाए तो कोई मसला नहीं, सिर्फ रोडों के ऊपर पानी आएगा और कुछ भी नहीं होगा। आप क्यों हंस रहे हो? वैसे हंस रहे हो? चलो क्या कर रहे हो, काम कोई कर रहे हो या वैसे? वैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हो? हमारे आते हुए देखे मौसम कैसे हो गया। नहीं, पहले ऐसा था और आपके आने से हमारे आने की आमद होती है जी, बिल्कुल। तो मौसम बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस ज़बरदस्त हो जाता है। तो आसमान पर जो है बादलों ने पहरा जमा लिया है और बारिश भी आ चुकी है। यहाँ देखें बारिश हो रही है, ये देखें, और मौसम काफ़ी प्यारा बन चुका है। तो ये सारा जो है कच्चा फर्श है, इस वजह से आपको पानी जो है नीचे नज़र नहीं आ रहा। जैसे पानी की बूंदें ज़मीन पर पड़ रही हैं तो वैसे ही जज्ब हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा बारिश आएगी तो फिर जो है आपको हर जगह पानी दिखेगा। और ये बेल यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रही है। अरे ये कैट ने क्या कर दिया, मेरे बैग के ऊपर बैठ गई। हाँ सुबह मेरे बैग को सही से रखें। और बाहर बारिश भी हो रही है, चलना बाहर घूमने फिरने के लिए। हाँ। और ये रही मेरी बाइक, यहाँ पर खड़ी है वाइफ कौसर के लिए, ये कहीं आया जाए तो उसके लिए। कुछ कहना चाहेंगी? क्या हुआ, बल्ब खराब हो गया? हाँ पंखा चलाया है, इतना सर्दी में पंखा। हाँ और क्या। तो अभी मेरी वाइफ कौसर जो है वो अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े बनाएंगे क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा बन चुका है, सिर्फ पकौड़े के अलावा कोई और चीज़ नहीं चलेगी, सिर्फ पकौड़े ही चलेंगे। ठीक है, बस सिर्फ पकौड़े, उसके साथ रहता और पकौड़े। और अभी बारिश ने स्पीड पकड़ लिया है, ये देखें ज़मीन पर सारा पानी पानी हो गया। अभी फर्श पर पानी देखें कितना ज़्यादा हो गया है। और अभी मन कर रहा है कि मैं जाके बारिश में नहाऊं, ये कच्चा फर्श है ना, कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊं। और चावल को तो पानी चाहिए चाहिए, चावल की फसल के लिए जो पानी है वो बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पर देखें कुछ लोग जो हैं बारिश के अंदर ही वो चावल काश्त कर रहे हैं। और मैंने अपना एक पाँव ही बाहर निकाला ना
तो मैं सीधा उस खेत के अंदर जाऊंगा। आज बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ये देखें पानी ही पानी हर तरफ, और वो देखें पानी स्पीड से जो है इस तरफ जा रहा है, तो ये सीधा रोड के ऊपर ही जा रहा होगा और कुछ खेतों में जा रहा होगा, कुछ रोड के ऊपर, क्योंकि रोड जो है वो काफ़ी गहरा है। ये तो बारिश जो है वो रुक चुकी है और यहाँ पर जो है पकौड़ों के मसाले कट हो रहे हैं और पैसन जो है वो मौसम लेने के लिए गया हुआ है। कितना टाइम लग जाएगा, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगेगी। अभी मैं आपको जामुन के पत्तों के ऊपर बारिश का पानी दिखाता हूँ, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, पत्ते काफ़ी खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं, इनके ऊपर बारिश का पानी कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है, और जामुन के पत्तों के ऊपर बारिश का पानी देखें कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। जी तो बारिश जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी और दोबारा से बारिश का इम्कान है और हल्की सी बूंदाबांदी दोबारा से शुरू हो गई है। आसमान पर बादल भी गरज रहे हैं, बाहर की तरफ जो है वो बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर जो है देसी चूल्हा बनाया गया, असल चूल्हा जो है उस तरफ है सैन के अंदर, तो यहाँ पर आरजी चूल्हा बनाया गया। और अभी देख सकते हैं कि यहाँ से बाइक जाने का रास्ता है या नहीं है, देखें रोड के ऊपर यहाँ पर पानी है और उस रोड का तो बुरा हाल होगा। चलो जामुन के दरख्त ये देखें कितना बड़े हो गए, और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो काफ़ी छोटे थे और अभी देखें काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। लाइन में सारे जामुन के पौधे ही लगाए हुए हैं और यहाँ पर एक छोटा सा तरबूज भी लगा हुआ है, ये देखें। और माशाल्लाह से यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है कि यहाँ पे बंदा घूमने को जाए, पर घूमने के लिए यहाँ से ना रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से कहीं जा नहीं सकते। इंशाल्लाह जैसे ही रास्ता खुश्क होगा तो हम घूमने के लिए जाएंगे। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि रास्ता 2-3 दिन तक खुश्क हो, क्योंकि बारिश इतना हो चुकी है और रास्ते के ऊपर इतना ज़्यादा पानी भर चुका है, रास्ता ड्राई होने में तकरीबन 1 वीक तो लग सकता है। और थोड़ी देर बाद मैं जाके आपको वो वाला रास्ता दिखाऊँगा जहाँ पर ज़्यादा पानी खड़ा होता है। तो गर्मा गर्म पकौड़े जो हैं वो रेडी होके आ चुके हैं, बारिश के मौसम में आपको पता है कि पकौड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप भी आ जाएं, आ जाओ मोहसिन, आ जाओ आसिम भाई, आप भी आ जाएं। तो पालक वाले पकौड़े जो हैं वो रेडी होके आ चुके हैं, तो अभी हम पालक वाले पकौड़े इंजॉय करते हैं, क्योंकि पालक वाले पकौड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं। आपने बनाए? आपने बनाए? और यहाँ पर जो है एक बारिश का पानी ख़त्म नहीं होता और दोबारा से बारिश बन के आ जाती है। और ये घर का रोड है, वहाँ पे देखें रोड के ऊपर पानी है, और ये देखें इस तरफ भी पानी है और इस तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पर भी पानी है, कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है कि बंदा बाइक निकाल के शहर जाए घूमने फिरने के लिए, कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर मज़ीद बारिश आ गई तो हालात ख़राब हो जाएंगे, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और गांव की जो लाइफ होती है ना, गांव की जो ज़िंदगी होती है वो बंदा पैदल चल के ही गुजारता है, और पैदल चलने में जो है काफ़ी सेहत होती है, और गाँव में जो है बहुत ज़्यादा वॉक भी हो जाती है, शहर में तो बंदा रोटी खाया खाना खाया बस हो गया, और गांव में जो है बंदा चलता फिरता रहता है तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता, बंदा काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर लेता है। यहाँ कभी कभी ऐसे टेढ़े पेढ़े रास्तों में जो है ना निकलना चाहिए, और बहुत मज़ा आता है जब बारिश हो रास्ते के ऊपर और बंदा फिसल फिसल के जाए तो काफ़ी मज़ा आता है। तो हम जा तो कहीं नहीं सकते, हर जगह बारिश हुई हुई है और बस घर में खा पी रहे हैं, कभी चाय आ रही है कभी खाना आ रहा है, बस यही चल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? आलू वाली बिरयानी। आलू वाली बिरयानी, ये देखें अभी आलू वाली पकोड़े हो गए, पकोड़ों के बाद चाय आ गई, चाय के बाद जो है आलू वाली बिरयानी आएगी। जी तो रात का खाना जो है वो आ चुका है, आलू वाली बिरयानी सलाद रहता, और गांव में जो है तकरीबन 6 बजे खाना खाया जाता है। यहाँ पर इतना जल्दी क्यों खाते हैं खाना, हम कराची में तो तकरीबन रात के 10-11 बजे खाते हैं, क्यों आसम? मौसम की वजह से, मौसम खराब है, यहाँ का मौसम अच्छा है और यहाँ पर अक्सर लोग हैं जल्दी सो जाते हैं इस वजह से। जी तो खाना खाते टाइम जो है बारिश आ गई, तो अभी सब चारपाई वगैरह लेके अंदर शेड में जा रहे हैं, तो वहाँ पर चल के बैठते हैं, ऐसा ऐसा सब चीज़ें जो है समेट रहे हैं, चारपाई लेके अंदर चले गए शेड में, और मौसम जो है पंखा उठा रहा है, हर किसी ने अपना काम बांटा हुआ है, और कपड़े जो हैं तार पर सूख रहे थे बारिश की वजह से, यहाँ पर टांग रहे हैं। तो गांव में जो है तकरीबन 6-7 बजे तक जो है डिनर कर लेते हैं, क्योंकि रात को हर कोई जल्दी सो जाता है, 8-9 बजे तक तो हर कोई सो ही जाता है। बस हमने तो भी डिनर कर लिया है, बस अभी चाय पियेंगे, चाय के बाद बस सोने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो मैं अपने व्लॉग का भी बस अभी एंड करने वाला हूँ, ये तो खाना सब ने खा लिया, बस अभी सोने की तैयारी है, चार पैना यहाँ पर लगा दिए क्योंकि बाहर जो है बारिश हो रही है, नहीं तो यहाँ पर सोते हैं, और पंखा भी लगा दिया यहाँ पर। जी तो खाना खाने के बाद यहाँ पर मैं वॉक कर रहा हूँ और कौसर भी मेरे साथ वॉक कर रही है। आप क्यों रुक गए?
आ जाए जल्दी आओ। कि मेरा वेट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, इस वजह से मैं थोड़ी बहुत वॉक करता हूँ कभी कभी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगा कल। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।